हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ में समर स्पेशल एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस ड्रिंक की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो टाइटल में या कहीं तो भी मैंने मेंशन कर ही दिया हुआ थंबनेल वगैरह में। तो आज हम बनाएंगे बेल का शरबत। तो बेल का शरबत वैसे तो काफ़ी लोग बनाते ही होंगे, बट मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो आज पहली बार बनाएंगे बेल का शरबत। तो बेल का शरबत ऐसा नहीं कि मैं जानती नहीं हूँ, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। मैं खुद बना मतलब अपने हाथों से जो बनाऊंगी, अपने घर पे जो बनाऊंगी, वो फर्स्ट टाइम बनाऊंगी। अदरवाइज मैंने बचपन में बहुत बेल का शरबत पिया हुआ है। हमारी नानी दादी के घर हम जब भी जाते थे तो वहाँ का मतलब ऐसा चलन ही था। आई थिंक पहले शायद ऐसे ही चलता था, पहले ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह उतना कॉमन नहीं होता था, कुछ स्पेशल ओकेजन में लोग लाते थे। अदरवाइज कभी भी जब मैं नानी के घर जाती थी तो किसी भी रिलेटिव के घर जा रहे हैं, मेरी मौसी के घर जा रहे हैं या फिर और कोई कोई रिलेटिव्स हैं उनके यहाँ जा रहे हैं, तो धूप में गर्मी में वैकेशंस में ही जाते थे, तो उस टाइम पर जाते थे। तो वहाँ पर यही बेल का शरबत सर्व किया जा रहा है, या सौंफ का शरबत है, या जो कच्ची लस्सी बोलते हैं दूध और पानी मिक्स करके बनता है वो वाला शरबत बनाया जाता था। और मैं तो बहुत छोटी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा बेल का शरबत तो मुझे इतना खास नहीं लगता था, बट बाकी के शरबत मुझे बड़े अच्छे लगते थे कि वाह यार कितना टेस्टी है, नींबू की शिकंजी और ये सब चीज़ें ना एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं और समर में आपको कूल रखने में हेल्प करती हैं। मैं अभी जब बेल ले करके आ रही थी ये, तब मैं रास्ते में देख रही थी कि वहाँ पर बेल का शरबत मिल रहा था, तो हम लोगों ने वहाँ पर पिया भी बेल का शरबत। और उसके अलावा वहाँ पर वेजिटेबल जूसेस मिल रहे थे अच्छे तरीके से बनाए हुए, कोकोनट वाटर है, छाछ है, ये सब चीज़ें मिल रही थी मार्केट में। तब मुझे एकदम से क्लिक किया कि पहले भी तो यही सब चलता था, ये अचानक से कहाँ से कोल्ड ड्रिंक और ये अनहेल्दी चीज़ें जो है वो हमारी लाइफ में इतनी ईजी और इतनी कॉमन हो गई, फर्स्ट चॉइस बन गई मतलब। तो मैं ये सब सोच रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब हम धीरे धीरे वापस से जो लोग अवेयर हैं वो एटलीस्ट इन सब चीज़ों पे स्विच हो रहे हैं कि अपने जो नॉर्मल यूजुअल ड्रिंक्स जो चला करते थे वही पी रहे हैं, और वही अच्छा भी है और इजीली अवेलेबल है, सस्ता भी है। तो एनीवेज मैं आज बनाऊंगी बेल का शरबत। आप में से कितने लोगों ने ट्राई किया हुआ है मुझे बताना। यहाँ पर मैं जब से शादी करके आई हूँ तब से मुझे बहुत मतलब मन करता था बेल का शरबत पीने का, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने मेरी मौसी के घर पे पिया था शादी के पहले की ये बात है, तब पिया था, तब बहुत अच्छा लगा था, तब थोड़े बड़े हो गए थे समझ आ गई थी तो तब बहुत अच्छा लगा था मुझे, बट वही लास्ट टाइम था जब मैंने बेल का शरबत पिया था और उसके बाद मैंने कभी नहीं पिया। तो पिछले 11 सालों से तो मैं यहाँ पर ही ढूंढ रही हूँ कि बेल कहीं पर मिल जाए, कहीं मिलता है क्या, बट कभी मिला नहीं और मुझे मालूम भी नहीं कि यहाँ पर क्या नाम से बोलते हैं, तो इस वजह से कभी मिला नहीं। अभी संडे को जब मैं मायके से घर आई थी यहाँ पर, तो हम जब रिटर्न हो रहे थे यहाँ पर तो रास्ते में मुझे बेल दिख गया, और बेल दिखा तो मैंने कहा अरे बेल मिल गया यार। तो फिर हम गाड़ी यू टर्न करके वापस थोड़ा डिस्टेंस लेकर के और बेल खरीदने आए, बेल खरीदा तो आगे जाके थोड़ा सा देखा कि बेल का शरबत भी मिल रहा है, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप पियो आपको पता चलेगा कैसा टेस्ट है। उन्होंने पिया और उनको भी बहुत पसंद आया, आरव को भी हमने बुलाया बहुत पसंद आया, हम तीनों को ही हमने दो दो ग्लास पी लिए। तो मतलब इस तरीके से इंट्रोड्यूस हो गया, अब फाइनली मैं लेकर के आई हूँ। तो ये कच्चा लेकर के आई थी मैं और अब ये पक चुका है, आज सैटरडे है, संडे को लेकर के आई थी और आज सैटरडे है, तो मतलब दो लेकर के आई थी और उसने बोला था कि अगर लंबे टाइम तक रखना है तो हरे हरे लेकर के जाओ, बट पक चुके हैं तो अब इसके हम बनाएंगे जूस और आपको मैं इसके बेनिफिट्स वगैरह भी बताऊंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो और बनाते हैं बेल का शरबत। तो बेल कुछ ऐसा दिखता है, ऊपर से हार्ड होता है और इसको उस तरीके से फोड़ना पड़ता है, नारियल जैसे फोड़ते हैं ना उससे हल्का ही रहता है, इसे मैंने बेलन से ही इसको फोड़ लिया अच्छे से मार मार के, और ये ना येलोइश हो जाता है तो इसका मतलब ये पक गया है। इनिशियली ये पूरा ग्रीन ग्रीन सा था और ये मुझे मेरी मौसी ने बताया, मैंने उनको फ़ोन करके पूछा था तो मुझे भी पता नहीं था ज़्यादा, तो इसीलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, बट जो लोग बेल का शरबत पीते हैं उनको तो पता ही होगा कि कब ये पक जाता है, कौन सा वाला मीठा होता है। इसमें एक बड़ा आता है, बड़ा वाला अगर आप लेते हैं तो उसमें बीज कम होता है, पल्प ज़्यादा होता है और मिठास भी ज़्यादा होती है। ये वाला छोटा वाला था तो इसमें थोड़ा सा एक ना कड़वापन भी रहता है क्योंकि इसमें बीज ज़्यादा होते हैं और ये थोड़ा सा कड़वा टेस्ट करता है, तो बड़ा वाला लेना ज़्यादा अच्छा होता है। मुझे पता नहीं था तो मेरे को लगा छोटे छोटे दो ले लेती हूँ तो वो ज़्यादा सही रहेगा, बट टेस्ट में हल्का सा ये कड़वा हो रहा था, बट ठीक है थोड़ा चीनी वगैरह मिलाकर पियो तो ठीक लगता है। तो मैंने इसमें से सारा जो पल्प था वो स्कूप आउट कर लिया एक चम्मच की हेल्प से, जो भी इसके रेशे बीज सब कुछ मैंने एक पतीले में निकाल लिया है। और उसके बाद इसमें आप चीनी या फिर गुड़ का पाउडर या जो भी आप मिठास के लिए डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं, और अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये एकदम प्योरली स्वीट फ्रूट नहीं है, इसमें थोड़ा सा एक कड़वापन सा या एक
मतलब थोड़ा सा कुछ अलग सा टेस्ट रहता है, तो इसीलिए अगर आप थोड़ा शुगर या गुड़ वगैरह डाल लेंगे तो ये थोड़ा स्वीट फ्लेवर का हो जाएगा, ज़्यादा पीने में अच्छा लगेगा। तो सारा जो भी पल्प मैंने निकाल लिया उसके अंदर मैं ये 3-4 चम्मच गुड़ का पाउडर है मेरे पास अभी फ़िलहाल, मैं 3-4 चम्मच डाल दे रही हूँ, और अगर मुझे बाद में लगेगा तो 3-4 चम्मच और ऐड कर लेंगे। इसमें थोड़ा ज़्यादा ही शुगर डाली जाती है, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाल दिया है और इसके बाद इसे मैं 10-15 मिनट के लिए ऐसे साइड में रख दूँगी ताकि सारा पल्प जो है वो लूज़न आउट हो जाए, और उसके बाद इसे हाथ से अच्छे से मैश करके और एक स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन करते जाएंगे। 2-3 बार मैं ऐसा करूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके करती जाऊँगी, तो जो भी इसका पल्प होगा वो अच्छे से स्क्वीज आउट हो जाएगा और जो भी इसके सीड्स वगैरह होंगे जो भी हमें नहीं चाहिए वो सब कुछ मैं स्ट्रेन कर लूँगी। तो जब तक मैं ये सब कर रही हूँ मैं आपको इसके कुछ बेनिफिट्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है बेल का शरबत, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोटेशियम पाया जाता है जो कि आपकी बॉडी में एक्सेस सोडियम को यूरिन के थ्रू रिमूव करता है, जिससे आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है, स्ट्रोक आने के चांसेस कम हो जाते हैं और बढ़ा हुआ बीपी आपका जो है वो लोअर हो जाता है। नेक्स्ट, इसमें काफ़ी अच्छा कैल्शियम भी पाया जाता है, तो जिन लोगों को भी बोन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है लाइक ऑस्टियोपोरोसिस है, जॉइंट पेन्स है, या जो भी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप बेल का शरबत पी सकते हैं। इसमें काफी अच्छे अमाउंट में आपको कैल्शियम मिल जाता है। उसके अलावा अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है, आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल्स कम है, तो भी आप बेल का शरबत पी सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में आयरन मिलता है जो कि आपके एनीमिया प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। उसके अलावा इसमें ना विटामिन ए, बी, सी ये सब भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में पाया जाता है, जिससे कि आपके स्किन, हेयर क्वालिटी या इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसमें बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसकी वजह से आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अच्छे से मेंटेन होते हैं, हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं, जो गर्मी में आपको डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं वो सब काफ़ी कम हो जाता है। उसके अलावा बेल में बहुत सारा फाइबर पाया जाता है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है और बहुत अच्छा लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ भी आपको बेल में मिल जाती है, जिसकी वजह से अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप बेल का शरबत पी सकते हैं, या डाइजेस्टिव इश्यूज़ है तो आप बेल का शरबत पी सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये आपके ब्लड को प्योरीफाई करने में भी हेल्प करता है, एंड उसके अलावा इसमें काफ़ी अच्छा कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाता है, जिसकी वजह से अगर आपको एनर्जी की कमी महसूस हो रही है या आप किसी ऐसे काम पर जा रहे हैं जहां पर आपको कंटिन्यूअसली इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो भी आप बेल का शरबत पी सकते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के कारण ये ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में भी काफी हेल्प करता है, इसलिए जो डायबिटीज के पेशेंट है वो भी इसको आराम से ब्रेकफास्ट के टाइम पे अगर आप एक ग्लास बेल का शरबत पीते हैं तो काफी अच्छा रहता है। तो इस तरीके से सारा पल्प मैंने स्ट्रेन कर लिया, 2-3 बार उसमें मैंने पानी डाल कर, तो बिल्कुल भी सारा पल्प मैंने निकाल लिया, कुछ भी वेस्टेज नहीं हुआ है। और ये देखिए अनवांटेड सीड्स एंड कुछ रेशे जो थे वो मैंने अलग कर लिए हैं, और उसके बाद इसमें पानी डाल करके कंसिस्टेंसी आप एडजस्ट कर सकते हो। ये काफ़ी थिक था तो पानी डालते जा रही थी, बट ये थोड़ी थोड़ी देर में थिक होता जा रहा था। इसका कलर थोड़ा सा चेंज आपको दिख रहा होगा क्योंकि इसमें मैंने डाला है गुड़ पाउडर, अगर आप शक्कर डालेंगे तो कलर थोड़ा ब्राइट रहेगा, और अगर ये पूरा अच्छी तरीके से पका हुआ होगा, बड़ा वाला होगा, तो इसका कलर ऑरेंज होगा, ये थोड़ा येलोइश कलर में था। तो ये बन करके तैयार है हमारा बेल का टेस्टी एंड रिफ्रेशिंग शरबत। इसे आराम से इवनिंग में या मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ कभी भी पी सकते हो, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें चीनी या गुड़ डालने की बजाय थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च डाल करके आप इसे रेगुलर 3-4 दिन पीजिए, तो आपको कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। खा के दिखाओ, फिर से खा लो, कोई बात नहीं। हाँ खा लो, कैसा है? हाँ हाँ खा के बताओ, चीव करके दिखाओ, चीव करो, इधर देखो मेरी तरफ, चीव करो, कैसा है? नो यीशु, हाथ नहीं लगाते। कैसा है, कैसा है? अभी हाथ साफ करती हूँ, पहले ये बताओ कैसा है। अरे वाह भाई, वाह भाई, वाह।